लगातार सियासत बदल रही है बिहार की। लगातार ये जो चुनाव का सिलसिला है 2019 का जो कारवां है जो अब शुरू होने वाला है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बिहार में एक हॉट सीट बन चुका है मुंगेर का लोकसभा सीट, उसको लेकर ही अब जो बयानबाजी है वो तेज़ हो चुकी है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है लाइव सिटीज़ के न्यूज़ रूम से। जिस तरह से लगातार अनंत सिंह ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से वो अपनी ताल को ठोकेंगे मुंगेर लोकसभा सीट से, इसको लेकर के कल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे और जनता ही की सेवा करेंगे, जनता से हम वोट मांगेंगे और भी क्या कुछ कहा है। लगातार आप वीडियोस के माध्यम से देख रहे होंगे, आपके प्यार और आशीर्वाद से वो वीडियोस ट्रेंडिंग में चल रही है इस वक्त यूट्यूब पर, आप जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। अब उस बयान के बाद बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से राम नारायण मंडल जी, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, सबसे पहले आप ये सुनिए। देखिए, अब आनंद जी ने क्या कहा है वो आनंद जी से ही प्रश्न करना चाहिए आपको, पर कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, किस दल में रहेगा, कब कहाँ जाएगा, ये तो स्वतंत्र है लोग, स्वतंत्रता है लोगों, इसलिए मुझे नहीं लगता उनके बातों पर कोई बहुत जवाब देना उचित हो। जिस तरह से आपने वीडियो के माध्यम से सुना, क्या कहा राम नारायण मंडल से कि कौन सा व्यक्ति कौन से दल में कब रहेगा, कब क्या हो जाएगा, इसकी संभावनाएं जो हैं वो राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं। जैसे कि आज की बड़ी खबर ले लीजिए, किस तरह से भगवान सिंह कुशवाहा आज जदयू में शामिल हो रहे हैं। साफ साफ उनका तात्पर्य यह है कि अनंत सिंह आज कुछ यदि बोल रहे हैं कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, कल होके कौन सा वो दल बदल लेंगे, अभी तो उन्होंने 18 तारीख तक का समय दिया, 18 तारीख के बाद ही वो कूच करेंगे मुंगेर के लिए, उसके बाद कौन से दल में वो जाएंगे इसका कोई गारंटी है क्या? साफ साफ उन्होंने वीडियो के माध्यम से आपने भी देखा किस तरह से उन्होंने लगातार इस चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं उस पर चुनाव पर बयान दिया और ये उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि यदि आपको ज़्यादा प्रश्न पूछने हो तो जाकर अनंत सिंह से ही पूछिएगा। जहां एक तरफ जदयू के नेता बयानबाजी देने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के भी जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं। कल मंत्री ललन सिंह ने भी इस पर बयान देने से साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि बाद में बोलेंगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है और अनंत सिंह एक तरफ है कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हुई हैं, एक तरफ जदयू बयानबाजी कर रही है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, मुद्दे जो हैं वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम डिबेट जो है वो रोज़ शाम को आप देखते होंगे, लेकिन बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अब एक नया डिबेट शुरू होना चाहिए, हम भी इसकी पहल करेंगे। लेकिन जो बयानबाजियाँ निकल के आ रही हैं, एक तरफ ऐसा है जो लगातार बयान दे रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो बयान नहीं दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं उस बयान से लगातार लाइव सिटीज़ आपको रूबरू करा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।